सलामैकुम अली और मरहूम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत आज है सात जून यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आज का दिन आगही और प्रिवेंशन के लिए मनाया जाता है फूड बोर्न इलनेसेस को लेकर और इसमें एग्रीकल्चर भी आता है इसमें टूरिज्म भी आता है ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर समा जाती हैं और मरहूम आपको तो पता होगा कि हुब्रेट दिस डेजी बिल्कुल अच्छा तो वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर आपसे बेहतर गुफ्तगु करने के लिए कोई और शख्स नहीं हो सकता क्योंकि जिस दिन हमने अली और मरहूम शो आगाज किया था आपका वजन छियानवे किलो था आज आप एक सौ पच्चीस है तो ये जिस किस्म की फूड का आपने इंतखब किया उसमें कंटेमिनेशन तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रही बहुत खालिश लग रही है हाँ जी अली ये सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल कि आपने तो मुझे मौका दिया कि मैं इतने अहम नुकते पे आ, अपने ख्याल का इजहार कर सकूं तो आ, अली बात यह है कि ये जो हु मनाता है वर्ल्ड सेफ्टी डे से मेरी मुराद जब यू

अच्छा तो मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ये ना दिन मनाने की वैसे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं क्योंकि कंटेमनेशन के ख़िलाफ़ है फूड कंटेमिनेशन को के खिलाफ ये दिन मनाया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि कंटेमिनेशन ना हो पॉइजनिंग ना हो इस किस्म की चीज़ें ना फूड फूडेमेरी तेरी फूफी है की तेरा फैमिली प्रॉब्लम है नहीं, अच्छा, हाँ। है है ठीक मस्त फिर वही है ना ये कंटेमिनेशन को जब आप आलूदा के उसमें लेंगे ना मानों में तो फिर तो ये बुरी चीज हो गई लेकिन अगर आप इस तरह से देखेंगे कि दो तीन मुख्तलिफ चीजें आपस में मिल रही हैं तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है हाँ ठीक है थीक मतलब आप ये देखें ना कि हमारे यहां पे हम लोग कितने सख्त जान क्यों हैं? मतलब अमेरिका वगैरह में हर साल लोग फ्लू शॉट्स लगवाते हैं और उनके पेट भी बड़ी आसानी से खराब हो जाते हैं और भी उनकी जिंदगी में बड़े मिसाइल होते हैं ये जो हमारी पॉलिसी है पब्लिक पॉलिसी के जितना गलीज उतना लजीज हाँ जी हाँ जी इसने हमें बड़ा बचा के रखा हुआ है बिल्कुल और वैसे भी हम लाहौर में रहते हैं तो मेरी बात सुनें अगर आप किसी शहर से बाहर के शहर से आए लाहौर में और आपने बेस्ट चीजें लाहौर की खानी है तो आपको जाना ही कहीं चाहिए सीधा आप गंदा नाला पकड़े एक साइड से उसके किनारे पे चलते जाए भाईजान आपको दुनिया जहान की नजर वहां मिलेगी मसलन मैं मैं आपका भाई बात हमेशा के साथ ठीक हो गया लब्बा पाए वाला उसके बाद वो दाल वाला कौन सा है बड़ा बड़ा दाल वाला पड़ा था ये ना गवार जाता था अच्छा एक दिन ना ये लब मुझे नहीं पता लब्बा पाए वाला जट्टे की दाल जट्टे की दाल भाई गंदे ना नाले के एन ऊपर

तो आपकी जो अगली जनरेशन है वो उसके लिए तैयार आएगी मतलब ये जो अभी आप डालोगे आपकी जनरेशन मैं इसको इस तरह से कह रहा हूं कि जिस तरह एक वो थ्योरी सही गलत का मुझे नहीं पता गलत है हाँ। लेकिन जो एक थ्योरी है ना कि हम जो हर साल स्मोक बर्दाश्त करते हैं हमारे लंग्स कर रहे हैं लेकिन हमारी जो अगली नस्ल आएगी वो शायद स्टेनलेस स्टील के सुखविंदर सिंह वाले फेफड़े लेके पैदा हो क्योंकि उसको पता है कि जिस जगह पे मैं जा रही हूं वहां पे स्मॉग का मसला है तो मतलब ये जो आप टुमारो है ये तो बिल्कुल आप इमीजिएट टुमारो की बात कर रहे हैं कि सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो अगर आप जरा दूर की सोचिए अगली नस्लों की सोचें तो मैं तो कहता हूं कि लेड कंटेमिनेशन से लेकर हर किस्म की कंटेमिनेशन करा लेनी चाहिए ताकि अगली नस्ल आए लोया मुझे बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ देखिए मुझे ना मैं अगली नस्ल के लिए ना कुर्बानी देने वाले नजरिए से मुझे वैसे अख्तलाफ है उसकी वजह बता देता हूँ देखिए जी हम कहते हैं कि जी हम बड़े अगली नस्लों के लिए कुर्बानी देने लगे हैं तो हमें कंटेमिनेट करवा दें अगली नस्ल ताकि शौक की जाए और अगली नस्ल जब आएगी ना तो उस वक्त कोई और कंटेमिनेशन होगी वो कहेगी आप मुझे कंटेमिनेशन करा दें अगली नस्ल ओ वो कोई नस्ल आनी नहीं जिससे सुख का सांस देखने आएगी हम लोग जिद चले जाना तो इसका कोई खास फायदा नहीं है मतलब याद ये दुनिया में लोग आएंगे ना उन्हें नया कोई मसला नहीं आना चाहिए हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कंटैमिनेशन जिस चीज से हो रही है यानी कि हम बहसियत इंसान नया से नया गंदाद करते रहेंगे सर ये मतलब आपके मुंह से इतना खूबसूरत लगा ये लफ्ज मतलब ये ऐसे लगा कि किसी ने अपना नाम ले लिया जो आप बात की ना इजाद समझ गए समझ गए मैं जो है ना इसमें अब मजीद भी आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ एक तो ये कि कॉल्स टू एक्शन इसमें ये हैं इस दिन के कि इंश्योर इट्स सेफ ये इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल तो देखें इसमें मेरा नजरियाती इख्तलाफ ये है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी हाँ हाँ कि भाई गवर्नमेंट तो मतलब आप जितना ओल्ड एज में सबको हस्पताल की जरूरत पड़ती है ये बात दुरुस्त है नहीं, मेरे ख्याल मेरा तजुर्बा यह कहता है कि हाँ कि ओल्ड एज में सबको इलाज की जरूरत पड़ती है इलाज मुआलजे की तो रियासत को वो इंश्योर करनी पड़ती है तो रियासत तो नहीं चाहती कि आप ओल्ड हो रियासत तो चाहती है आप जवान मर जाओ ताकि उसका खर्चा ना हो अस्पतालों का खूबसूरत बात ठीक थी। है तो ये जो जो आप कॉल फॉर एक्शन दे रहे हैं कि कि इंश्योर करे आपका फूड है वो सेफ है तो ये मेरे ख्याल में एक गैर फित्री सा अमल और डिमांड होगी से ऐसा कहना और हमारी से कहना ज्यादा इस वजह से देखिए अब अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर काम कर रही है चोरों को भी पकड़ लिया करप्शन खत्म करिए तो इस गलत इस वजह से हुआ कि एक काम कर रही है अच्छा काम कर रही है उसे वो काम पहले कर लेना हैं देखें पहले जो है और मुझसे थोड़ी है हमारी हुकूमत के लिए इतनी बहुत अच्छी जा रही है हमारी हुकूमत ठीक है बिल्कुल अच्छा दूसरा इसमें कॉल टू एक्शन है ग्रो इट सेफ कि एग्रीकल्चर agriculture... <laughs> <laughs> नहीं हाँ मतलब ग्रो इट सेफ ये दिखें। संडे के दिन वालों बनाया ये दिन <laughs> नहीं नहीं ये, ये है एग्रीकल्चर और फूड प्रोड्यूसर्स के लिए है कि वो इसको ऐसे ग्रो करें कि वो सेफ हो अच्छा ये भी हाँ, जाती है तो है ये ये तो बहुत भी ज्यादा इस तरह है कि जो एग्रीकल्चर का काम देखिए जो एग्रीकल्चर का काम करता है अगर वो जमीन के अंदर तेजाब नहीं डालेगा अगर वो जीएमओ नहीं इस्तेमाल करेगा ठीक है अगर वो अनहेल्दी मेजर्स नहीं लेगा तो प्रोडक्शन ही लो होगी प्रोडक्शन लो होगी तो उसको पैसे ही कम मिलेंगे तो ये तो आप किसी के रोजगार पे लात मार रहे हो इस किस्म की डिमांड करके कॉल फॉर एक्शन दे तो ये भी मेरे ख्याल में गलत है आ, तीसरा चलते हैं ना ना पहले इस इसमें बात होगी है हाँ। अली मेरे दोस्त किस कैसे अपने करेक्टर से बाहर क्यों निकल जाते हैं देखा तुमने तो ये बताया कि जमीन के अंदर वो चीजें डालनी पड़ेगी अनहेल्दी मुहैया इसे कोई ना कोई सलूशन तो तुम्हारे पास होगा देखिए मसला फिर वही है कि आप जो एक ही क्रॉप बार बार काश्त करी जाते हो क्रॉप साइकिल जो है ना उसमें आपको वेरीड क्रॉप्स लगानी पड़ती हैं उसकी वजह यह है कि ज़मीन को भी नशोनुमा चाहिए जैसे आपको चाहिए आप सारा दिन कॉर्न खाई जाओगे तो आप बंजर हो जाओगे तो आपको जरखेज़ रखने के लिए ज़रूरी है कि हर रंग की चीज़ आपके अंदर जाए

जो बाहर तो हाँ, हाँ. से पता होना चाहिए कि सेफ क्या है और हेल्थी क्या है फूड तो मसला फिर वही है अगर कंज्यूमर को आपने ये बता दिया तो फास्ट फूड ज्वाइंट तो बंद हो जाएंगे सारे आप किसी के रोजगार पे लात मार रहे हो फिर से तो ये पांचवा इनका है टीम अप फॉर फूड सेफ्टी कि आप जो है ना गुड हेल्थ और सेफ फूड के लिए मिलके काम करें तो मसला ये कि मैं आपके साथ जन्नत में नहीं जाना चाहता आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपके साथ मिलकर काम करूं खूबसूरत बात की जन्नत में चलोगे <laughs> अच्छा और फिर इसमें ना मैं आखिरी जो है दो नुकते

अब ये बात कर रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को इकट्ठा इंगेज करके इस काम पर लगाया जाए देखिए प्राइवेट सेक्टर जब भी कुछ भी करेगा वो मुनाफे के लिए करेगा अगर आप उसको हेल्थ वाली साइड पे लेके आएंगे तो वो नहीं आ सकता ना मतलब प्राइवेट सेक्टर और हेल्थ ये मतलब ये अलग चीज़ें ठीक है दूसरा आ गया पब्लिक तो पब्लिक सेक्टर तो वैसे ही जो भी करता है खर्च मारता है हुँ. वो तो कोई चीज ठीक करने की कैपेसिटी ही नहीं रखते मतलब तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम नहीं कर सकते नहीं कर सकते है। और आख्री... वो तो वजह मैंने सही बताई है ठीक <laughs> है ये बिल्कुल ठीक वजह थी और आखिरी है कि इंस्पायर एवरी वन टू लर्न मोर अबाउट द वन हेल्थ अप्रोच टू फूड सेफ्टी देखिए जी कोई वन हेल्थ अप्रोच नहीं है फूड सेफ्टी हाँ हकीम होम्योपैथ को नहीं मानता होम्योपैथ एलोपैथ को नहीं मानता एलोपैथ किसी को भी नहीं मानता तो ये और लॉर्ड मैं कहा मैं तो नहीं मानता <laughs> हाँ बिल्कुल ठीक है तो ये आप जो है ना जो दुनिया का हुसन ही उसकी डाइवर्सिटी है छोटा बड़ा लंबा ओ तो यार क्या बात है खूबसूरत बात कर हाँ तो ये आप उनको जो है ना सबको एक हेल्थ अप्रोच ना दें ठीक है तो आ, ये दिन जो है आ, ये मैंने तो अपनी तरफ से टके टोकरी कर दिया तो अब अगर कोई डब्ल्यू एच ओ के साथ मिल के मनाना चाहते तो मना ले आ, मैं ये बता दूं कि मैं तो इसको डब्ल्यू एच ओ के साथ क्योंकि देखिए अली ये जो होता है ना धूम धाड़ियों के साथ रह गया आपको भी जाना है ना दरफ़ तबीयत चली गई है कि हर चीज़ का एतराज़ करना हर चीज़ पर मजाक करना देखिए बड़ी अहम चीज़ होती है सेहत आपकी जो है ना बहुत अहम चीज़ होती है तो वो दोस्त सेर के हिसाब से मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा जो मैं हर दोस्त को बताता हूँ अगर आपको लगता है कि आपका काम खराब हो गया है तो भाईजान सब व्यक्त जी आपने एक महीने खा लिया आपको जिंक की कमी है तनु को भी नहीं भाई से जान अगर आप पाकिस्तानी प्रोग्राम दे रहे हैं तो आपको से सिर्फ एक और सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न होना चाहिए चाहे आप मर्द मरदें या औरत है आपको सिर्फ अपनी मर्दाना कमजोरी पर देनी चाहिए क्योंकि हम नहीं नहीं ये हमारा तो मसला तो है तो फूड हम सिर्फ इसलिए खाते हैं चले खाओ ए, बड़ा चंगा होता है। ये आपने बीच में वो मल्टावाइटमिन का ही नाम ले लिया है ठीक करने के लिए अगर आपको कोई मसला हो तो हालांकि ज़्यादातर चीजों का इलाज दूध सोडा है। गर्मी हुई भी है तो दूध सोडा पी लें सर्दी हुई भी है तो दूध सोडा पी लें तो सोडा तो जरा ले आएंगे दूध का हो रहा पहले के लोग गुफ्तगू की तरफ हम आए अच्छा वैसे मैं बता बताता मैंने कोड क्रैक कर लिया दोस्त कितना टाइम हुआ है अभी हाँ पंद्रह मिनट वो हमारा प्रिसाइज टाइम हम तो है जबकि बाद हम फुल गंदी बातें शुरू कर देते मेरे ख्याल है जैसे उसे हमने कहना है कि भाई जी जब पंद्रह मिनट हो तो उन्हें बंद कर देना बिल्कुल ठीक है पंद्रह मिनट हो चुके हैं दिन आपकी मर्जी है मनाएं ना मनाएं हमने आपको अपनी तरफ से जो शहर हासिल गुफतगु हो सकती थी इसके ऊपर वो हमने कर दी है तो, तो अपना ख्याल रखें अच्छा वो शहर हासिल तो हासिल करके भी मौजूद होता तो मैं गला हो मैं भी मौजूद हाँ शहर हासिल गुफ्तु दो शहर